केंद्र सरकार की नीतियां जैसे जैसे निरंकुशता की ओर बढ़ रही है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, आम लोगों का वित्तीय बजट बहुत से बाहर हो गया है। महंगाई और अन्य मुद्दों पर आज मारेगांव कस्बे में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। मारेगांव में बणी यवतमाल रोड के पास थाने के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य और देश में जहां आम जनता महंगाई से परेशान थी, वहीं केंद्र सरकार ने सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर लोगों को हवा में उड़ा दिया। पेट्रोल डीजल समेत कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने मांग की कि सरकार महंगाई को काबू में रखे ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो सके, क्योंकि केंद्र सरकार जीएसटी से जनता को लूटने की साजिश कर रही है। धरने पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कड़ी चेतावनी दी कि नहीं तो जनता आगामी चुनाव में लुटेरा सरकार को सीट नहीं दिखलाएगी, और इस बार केंद्र सरकार का विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि ईडी के डर और पैसे के लालच में मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया गया है। ये साजिश बीजेपी में शकुनी मामा की है और महाराष्ट्र को धोखा देने वालों को वहां मौजूद लोग माफ नहीं करेंगे। इस दौरान ओम ठाकुर, कांग्रेस नगर अध्यक्ष शंकर राव मड़ावी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमन डोए, रवि धानोरकर, यादव राव पांडे, अंकुश मफूर, पार्षद नंदेश्वर असुतकर, वसंतराव असुतकर, शकुंतला वैद्य, नगर सेवक किनके, धनंजय असुतकर बड़ी संख्या में मौजूद थे। मोदी सरकार ने पद्धती लावलेली आहे महागाईच्या विरोधात आम्ही हा एक दिवशी करणे आंदोलन आहे। या सामान्य माणसाचं कंबळ मोडण्याला रोजगारी आणि महागाई आज काँग्रेसच्या काळामध्ये 450 म्हणजे रक्कम झाली होती, आज 1200 पर्यंत सिलेंडर पोहोचलेला आहे। उज्ज्वला गॅसचं वाटप केलं, लोकांना खूप वाटलं की आम्हाला मोफत गॅस मिळत आहे, परंतु आज मायाच्या डोळ्याचं पाणी डोळ्यामध्ये आहे। कारण तुम्ही सांगत होते की आरोग्य यांचं चांगलं राहिलं पाहिजे, म्हणून आम्ही उज्ज्वला गॅस मोफत देत आहे। बायांना खूप वाटलं होतं, परंतु आज जेव्हा 1200 रुपयाच्या गॅसला मोजावं लागत आहे, तेव्हा बायांना कळत आहे की या सरकारने सामान्य माणसाचं जीवन हराम केलेलं आहे। आणि हे जीवन हराम करत असतानाच आज या अग्निपथची योजना काढून आमच्या मुलाबाळांना शिकण्यापासून वंचित करून त्या सीमेवर बोलवायचं आणि 4 वर्ष तिथं त्यांना मरो की वाचव ठेवायचं आणि तिथून पाठवलं का एक चौकीदाराच्या पलीकडे तो कुठचंही काम करू शकणार नाही अशी व्यवस्था आमची सामान्य माणसाची करून ठेवली आहे। आज आमच्या शेतकऱ्याच्या ह्याच्यावर आसमानी संकट ओढावलेलं आहे पुरानी बेमळांनी आणि एवढंच नव्हे तर या महागाईनी सुद्धा। म्हणून आम्ही या महागाईच्या विरोधात या मोदी सरकारचा निषेध करतो आणि आमच्या सर्वसामान्य माणसाला न्याय कसा मिळेल याच्यासाठी आम्ही आंदोलन याही पुढे छेडू असं मी सांगितलं। प्रचंड वाढलेली महागाई आणि सरकार माध्यमातून निर्माण झालेली बेरोजगारी आणि सरकारचं उपेंद्र जे आजची जे वर्तन आहे लोकशाही आणि संविधानाचे याविरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन काँग्रेस पक्षाने सुरू केलेलं आहे। या निमित्ताने एकत्रित झालो आणि तोपर्यंत या सर्व बाबी व्यवस्थित होत नाही तोपर्यंत हे काँग्रेसच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू राहील। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।